सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ईशान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आप सभी के लिए दो नई स्टेट से अपडेट लेकर आया हूँ जिन्होंने अपने NEET 23 काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। दो ऐसे स्टेट जिन्होंने अपने MBBS, BDS, BMS यानी कि आयुष काउंसलिंग एंड वेटनरी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इन दोनों के बारे में अपडेट दूंगा। इनके एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो मेक श्योर कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है काउंसलिंग रिगार्डिंग मिस ना हो, है ना। ऑल इंडिया कोटा का भी मिस ना हो, स्टेट कोटा का भी मिस ना हो, ठीक है। सभी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ चैनल के माध्यम से। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, खुद से काउंसलिंग नहीं करा सकते, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। लिंक फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कहाँ से आया अपडेट। सबसे पहले जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ गाइज, वो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी से देने वाला हूँ। आप सभी को पता है पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर जो है इसका शेड्यूल आ चुका है काउंसलिंग का। एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आधी से। आप देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमें जो काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी है वो सेंट्रलाइज एडमिशन कमेटी जो सेंटेक है वो करा रही है काउंसलिंग। पिछले सालों से यही कराती आई है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट करेंगे वो है sentapuducherry.in, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये आप नोट कर सकते हैं, सेंटा पुडुचेरी CENTAPuducherry.in। इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज आ चुका है एडमिशन टू MBBS, BDS, BAMS, BAVSC एंड एच यानी वेटनरी कोर्सेज फॉर द अकेडमिक ईयर 2023-24। इसको अपन ओपन कर लेते हैं और शेड्यूल देख लेते हैं क्या है शेड्यूल। तो भाई ये शेड्यूल आप यहाँ देख सकते हैं, ये नोटिस आप कंप्लीट देख सकते हैं। पुडुचेरी ने अपने MBBS, BDS, आयुष काउंसलिंग और वेटनरी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जितने भी पुडुचेरी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए। एनआरआई कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड एनआरआई के लिए अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेट्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो आज से है, आज से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस 12 जुलाई 2023 से। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी 18 जुलाई तक, है ना। तो 18 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज में, मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा एंड BVSC के लिए यानी वेटनरी के लिए, ओके। तो ये पुडुचेरी से अपडेट आया है। जो भी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं और जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस चीज का ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएंगे। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। तो ये पहला अपडेट था। दूसरा जो अपडेट आया गाइस वो है ओडिशा से। ओडिशा ने भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो जारी कर दिया अपनी वेबसाइट पर। इसकी भी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, OJEE.NIC.IN। ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कमेटी है वो इसकी काउंसलिंग और एडमिशन कराएगी, ठीक है। तो आप इसकी वेबसाइट फिर से नोट कर लीजिए, OJEE.NIC.IN है। इसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं ये शेड्यूल आ चुका है वेबसाइट पर। और काउंसलिंग फॉर MBBS BDS कोर्स भी का लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। हालांकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, आज से स्टार्ट होना है। मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ उसका। तो ये आप ओडिशा का शेड्यूल आप देख सकते हैं। इंटरेस्टेड NEET 23 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विश टू पार्टिसिपेट इन ओडिशा स्टेट मेडिकल काउंसलिंग हैव टू रजिस्टर इन प्रायर फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग। यानी कि जो भी स्टेट के नेटिव कैंडिडेट्स हैं, ओडिशा के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट्स में भी एलिजिबल फॉर NRI कोटा सीट्स ओनली। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं और ओडिशा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केवल NRI कोटा से एडमिशन मिलेगा। ये चीज यहाँ पर नोटिस में दे रखिए। डेट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से। लास्ट डेट रहेगी 16 जुलाई। 4 दिन का आपको समय दिया है तो आप इस चीज का ध्यान रखें, वेबसाइट के टच में रहिए। आज से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अभी तो कोई अपडेट नहीं आया वेबसाइट पर। तो आप इसको विजिट करते रहिए इस वेबसाइट को, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो स्टेट के अपडेट्स मैंने आपको दिए। इसी तरह के स्टेट के अपडेट्स धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे पास। तो आप अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये दोनों ही नोटिसेस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो मैंने फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।